जब एक भाई दूसरे भाई से मुलाकात करता है तो उसमें मुसाफा भी करते हैं, गले भी मिलाते हैं, तो ये जो गले मिलते हैं ये कितनी मर्तबा मिलना सुन्नत है? एक बार या तीन बार? क्योंकि हमने बहुत से लोगों को देखा है कि वो तीन मर्तबा गले मिलते हैं, बहुत से लोगों को देखा है वो सिर्फ एक मर्तबा गले मिलते हैं। तो इस मामले में शरीयत का क्या हुक्म है? आप अलैहिस्सलाम का तर्ज क्या है? दीन का ये मरकज़ मुफ्ती निशात आलम, ये दीन का तर्जमा है मुफ्ती निशात आलम। इनकी फिकर तो देखो, इनकी तड़प तो देखो, तबलीग दीन का ये चैनल मुफ्ती निशात आलम। जब एक भाई दूसरे भाई से मुलाकात करता है तो उसमें मुसाफा भी करते हैं, गले भी मिलाते हैं, तो ये जो गले मिलते हैं ये कितनी मर्तबा मिलना सुन्नत है? एक बार या तीन बार? क्योंकि हमने बहुत से लोगों को देखा है कि वो तीन मर्तबा गले मिलते हैं, बहुत से लोगों को देखा है वो सिर्फ एक मर्तबा गले मिलते हैं। तो इस मामले में शरीयत का क्या हुक्म है? आप अलैहिस्सलाम का तर्ज क्या है? हदीस क्या कहती है? तो जब हम हदीस को खोज करते हैं, हदीस का मुताला करते हैं, तो हमें हदीस के अंदर ये सबक मिलता है कि आप अलैहिस्सलाम जो गले मिलते थे वो सिर्फ एक बार गले मिलते थे। लिहाजा आज हमारे मुआशरे में जो तीन मरतबा गले मिलना, ये जो एक रिवाज पकड़ चुका है तीन बार गले मिलना, तो मेरे भाइयों ये ठीक नहीं है। बल्कि जो सुन्नत है जो हमें हदीस के अंदर मिला है वो यही मिला है कि एक मर्तबा गले मिलना चाहिए, एक मर्तबा गले मिलने से सुन्नत अदा हो जाएगी। और फिर इसकी तारीफ मुसाफे से भी होती है, मुसाफा एक बार मिलाते हैं, तीन बार मुसाफा नहीं मिलाते हैं।